अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेथी खीमा। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। तो उसके लिए हमें कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर दो से तीन टीस्पून, जिस तरीके से आप भाजी में आप तेल कम ज़्यादा पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। और उसमें आप बारीक बारीक कांदा काट के डाल दीजिए। मेरी मम्मी सब जस्ट ऑन द वे मतलब करते हैं, मतलब जैसे ही उनको पकाना हो वैसे ही वो फटाफट काट के वो पका लेते हैं। और जाहिर सी बात है उनको एक्सपीरियंस काफ़ी साल का होता है तो वो लोग फटाफट कर लेते हैं। तो बस आपको कांदा हल्का सा पिंक करना है, पिंक करने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ये है देखिए फ्रेश मेथी। और इसके अंदर हमने 200 ग्राम हमने खीमा ले लिया है। ये हमारा बीफ का खीमा है, मटन का, अगर आप चाहे तो चिकन की भी खीमे का बना सकते हो। और एक गड्डी मैंने मेथी ले ली है, हल्का इसको पिंक करने तक फ्राई करते रहिए। मैंने फास्ट फ्लेम पे किया है। मेथी खीमा मेथी खीमा हमारा फेवरेट है। भाजी वगैरह में हम लोग बहुत पसंद करते हैं, मेथी खीमा बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो चिकन का भी बना सकते हैं और चाहे तो मटन का भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है, जैसा आपकी मर्ज़ी हो वैसा। ये हमने हरी मिर्ची और लहसुन हमने देखिए ग्राइंड कर लिया है बारीक बारीक एकदम। थोड़ा सा आप इसके अंदर अदरक लहसुन डालिए, हाफ टी स्पून। ये मेरी मम्मी एकदम फटाफट झटपट से बना रहे हैं। उनको एक्चुअली और भी काफ़ी चीज़ें पकानी है तो काफ़ी लेट भी हो गया था उनको, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपकी प्लीज़ इतनी अच्छी रेसिपी आप बनाते हो तो हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करिए। तो बस इसे अच्छे से कांदे में भून लीजिए। ये देखिए इसकी स्मेल बहुत बहुत अच्छी आती है। अभी हमारी जो हरी मिर्ची और लहसुन है वो भी आप इसमें डाल दीजिए। हरी मिर्ची और लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है भाजी में। और हाफ टी स्पून हल्दी, हल्दी भी हम इसी के अंदर अच्छे से मिला लेंगे ताकि उसकी जो खुशबू है वो इसी में मर जाए। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब हम पकाए और उसी के अंदर मेथी में खीमे में हल्दी वगैरह की भूनने की खुशबू आए, इसलिए हम कांदे के अंदर ही सब चीज़ें भून लेते। अब हम खीमा डाल देंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये 200 ग्राम खीमा है, ये अच्छे से हमने धो के वॉश करके रख लिया था। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, प्लीज़ आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी भी बन जाती है, लगभग 10 मिनट में आपकी भाजी तैयार हो जाती है मेथी खीमा की। बस इसे अच्छे से इसका पानी वगैरह सब सोख लीजिए और इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दीजिए। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए बस अच्छे से इसे भून लीजिए ताकि इसका पानी वगैरह जो है बहुत अच्छे से खुश हो जाए। अब इसके अंदर हम चॉप टमाटर डाल देंगे, एक से दो, ये हमने दो डाला है। आप चाहे तो तीन भी डाल सकते हैं या एक भी डाल सकते हैं। टमाटर भी अच्छे से खीमे के अंदर गल जाएगा। बस इसे दो मिनट के लिए पकाइए, तब तक इसका पूरा पानी अच्छे से खुश हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर दिख रहा है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। देखिए खीमा हमारा अच्छा ऑलमोस्ट हो चुका है। इसमें हमें क्या करना है, बस ढक के हमें 5 मिनट के लिए इसे थोड़ा देर के लिए पका लेना है ताकि खीमे का पानी वगैरह सब अच्छे से वो हो जाए। अब इसके अंदर हमने ओपन करके हमने देखा तो खीमा वो हो गया था, पूरा सूख गया था, तो इसके अंदर हम मेथी डाल देंगे। देखिए मेथी कितनी फ्रेश दिख रही है। मेथी में भी पानी बहुत होता है तो आपको पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है भाजी में, ये अपने ही पानी में अच्छे से पक जाती है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे ऊपर नीचे करके। हाँ बस अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका, फटाफट सी पक गई। देखिए आप कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, बस हरी मिर्ची लहसुन आपको कुटी हुई डालना है, हल्दी, एक टमाटर, कांदा,
और नमक डाल के आपको अच्छे से इसे भून लेना है बस, और कुछ जल्दी नहीं, बहुत फटाफट से पक जाती है ये रेसिपी। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, इसका कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है। हमारी भाजी देखिए पूरा उसका पानी वगैरह सब सूख गया, खीमे का पानी सूख गया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।